हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज प्रीवियस क्लासेस को ही मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 9, मोटिवेशन एंड इमोशन, क्लास 11, साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फ्रॉम मड़वाड़ी कॉलेज। आज हम लोग मोटिवेशन की थ्योरी पर चर्चा करेंगे। नीड, प्यार की मॉडल, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। यह थ्योरी अब्राहम मॉस्ले द्वारा आई है। अब्राहम मॉस्ले ने इस सिद्धांत को दिया है। इस सिद्धांत को मानवतावादी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने देखा, मॉस्ले ने इस सिद्धांत को 5 वर्गों में बांटा है। 5 वर्ग में बांटकर, 5 हिस्से में डिवाइड करके इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर व्यक्ति का जीवन डिपेंड करता है। उसका होल लाइफ उसी नीड्स पे घूमता रहता है। इस पे इन्होंने चर्चा की है। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताएं। हम लोग इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, क्योंकि सबसे नीचे स्तर की नीड जो हमारी है वह शारीरिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स जिसे कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। सेफ्टी पे हम आएंगे, लव बिलोंगिंग पे हम आएंगे, इस्टीम पे आएंगे, और अंत में व्यक्ति की जो आवश्यकता है वह आत्म सिद्धि की आवश्यकता, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नंबर 1, शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स। एक व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति, यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसे पूरा किए बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। मुख्य रूप से इसमें डेली नीड्स आती हैं, जैसे भूख है, प्यास है। यह इंसान के लिए बेसिक नीड्स है जिसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इंसान की ज़िंदगी ही नहीं है। नंबर 2, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सिक्योरिटी नीड्स या सेफ्टी नीड्स। यह व्यक्ति की दूसरे स्तर की आवश्यकता है। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता होती है। खुद को सुरक्षित करना, परिवार को सुरक्षित रखना, उसके पास घर हो उसकी सुरक्षा करना, उसके पास प्रॉपर्टी हो, उसका स्वास्थ्य सही रहे, ये सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। अब है नंबर 3, लव बिलोंगिंग नीड्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं लव नीड्स, प्रेम संबंधी आवश्यकताएं। यह तीसरे स्तर की एक मुख्य आवश्यकता है। एक व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद सुरक्षा की ज़रूरत होती है, और सुरक्षा के बाद तीसरे स्तर पर प्रेम संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। इस आवश्यकता को सामाजिक आवश्यकता या सोशल नीड्स भी कहा जाता है। इसमें सोशल लाइफ की नीड्स आती हैं, जैसे स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, लव अट्रैक्शन, अफेक्शन आदि। एक व्यक्ति जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी कर लेता है, तब वह समाज के साथ रहकर अपनी पहचान बनाना चाहता है कि उसका भी एक आइडेंटिटी हो। अपने परिवार में, समाज में, अपने फ्रेंड सर्किल में लोग उसकी ओर ध्यान दें, प्यार दें, और एक अफेक्शन उन लोगों के साथ उसका हो, यानी सोशल कनेक्ट हो तथा इमोशनल सपोर्ट मिले। नंबर 4, इस्टीम और प्रेस्टिज नीड्स, सम्मान की आवश्यकताएं।
कुछ ज़रूरी चीज़ ज़रूरतें पूरी होने के बाद एक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि अब उसे सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए सम्मान की आवश्यकताएं वह चाहता है। यह चौथे स्तर पर आती है। इस स्तर पर सोसाइटी में वह अपनी अलग से पहचान बनाना चाहता है, उसकी एक वैल्यूज़ हो। सम्मान की आवश्यकताओं में दो फैक्टर्स काम करते हैं, इंटरनल इस्टीम और एक्सटर्नल इस्टीम। इंटरनल इस्टीम में एक व्यक्ति चाहता है कि उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, वह कुछ अचीव करे, उसका अपना एक पावर हो। और एक्सटर्नल इस्टीम में एक व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी एक पहचान हो अपने सोसाइटी में, अपने जॉब में, और एक गुड स्टेटस हो रखता हो, उसकी लाइफ एक स्टैंडर्ड लाइफ हो जिसे वह व्यतीत करे। इस तरह बेसिकली जब हम देखते हैं तो सम्मान की आवश्यकता में एक व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है और एक अच्छी पहचान अपने सोसाइटी में चाहता है। उसके बाद अब आ जाता है लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि आवश्यकता। नंबर फिफ्थ में ये सबसे हाई लेवल की नीड्स है जहाँ पर बहुत कम व्यक्ति पहुँचता है। मास्लो पहले एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इम्पॉर्टेंट मोटिव्स में शामिल किया था। यह एक ऐसा मॉडल है जहाँ सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं, यानी ज़्यादातर लोग चार लेवल की नीड्स तक ही अपने को सीमित कर लेते हैं। यह नीड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म में आता है क्योंकि साधारणता अपने अंदर की पर्सनालिटी को समझना और उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, अपनी शक्ति को बढ़ाना या उसे पूरी करना, यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आता है जो कि बहुत कम व्यक्तियों के अंदर होता है। यहाँ पर आकर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है और व्यक्ति अपने अंदर की चीज़ों को देखने लगता है, अपने आत्म के ऊपर वह डिस्कस करता, अपने आत्म को पहचानता है, अपने आत्म की अवलोकन करता है। लेकिन यहाँ क्या है, क्यों चारों ओर ही पूरी तरह से व्यक्ति क्यों घूमता रहता है, चार नीड पर ही क्यों महदूद हो जाता है, व्यक्ति सीमित हो जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब उसकी आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जब उसे खाना चाहिए, उसका पेट भर जाता है, प्यास बुझ जाती है, तब वो फिर क्या चाहता है, और अच्छा खाने की ख्वाहिश करता है। उसी तरह से सुरक्षा में जब कुछ सिक्योर हो जाता है, कुछ सुरक्षित अपने को महसूस कर लेता है, तब एक व्यक्ति और ज़्यादा सुरक्षा को बढ़ाना चाहता है, अपनी चीज़ों पे हिफाजत करना चाहता है। उसी तरह से जब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, लव बिलोंगिंग पे, तो यहाँ भी एक व्यक्ति का यह मोटो होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचाने, उसको इज्जत दें, वो अपनी एक पहचान अपने सोसाइटी में बनाए और यह रेस्पेक्ट उसकी बढ़ती चली जाती है, वह उस ओर ध्यान ही नहीं देता है। खाना मिलने के बाद अच्छा खाने की ख्वाहिश करना, गाड़ी मिलने के बाद बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश करना, ब्रांडेड गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, तो इस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ व्यक्ति का ध्यान जाता ही नहीं है। पांचवें स्तर को, पांचवें लेवल को व्यक्ति सोचना ही नहीं चाहता है। इन चार नीड्स के चारों तरफ ही उसकी लाइफ घूमती रहती, इसलिए इसे रेयर भी माना जाता है। जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं, उनके अंदर से डर, पैसे का मोह माया, लालच, सभी कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वह इंसान खुद के पोटेंशियल को पहचानने लगता है और वह कुछ ऐसा करना भी चाहता है कि उनके नाम से लोग उसे हमेशा याद करें, यानी अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश करना।
कुछ ऐसा कर जाना जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे और लोग उसे उसके जाने के बाद भी याद रखें। कुछ ऐसा जिसे वह जिसे दूसरे नहीं किए हों और उनकी उस काम से पहचान बने। देखिए यहाँ फोर नीड्स पे आकर के व्यक्ति रुक जाता है। फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, लव बिलोंगिंग है और इस्टीम यानी सेल्फ आत्म सम्मान की आवश्यकता या प्रेस्टीज नीड्स इस्टीम। उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ पांचों स्तर को मॉस्लो ने दो भागों में बांटा है, दो वर्गों में विभाजित किया है, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल जो सुरक्षा की आवश्यकता है और शारीरिक आवश्यकताएं हैं, यह सबसे लोअर लेवल की आवश्यकताएं हैं, सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। उसके बाद तीन आवश्यकताएं लव बिलोंगिंग, इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यह हाई लेवल की आवश्यकताएं हमारी हैं। इस तरह से मास्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं को पांच वर्गों में बांटकर मानवीय आवश्यकताओं को प्रकाश में लाकर विभिन्न मानव व्यवहारों की व्याख्या की है। आत्मसिद्धि के प्रयत्न अभिप्रेरणा की पश्चिमी व्याख्या को भारतीय चिंतन के काफ़ी निकट ला दिया है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।